शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करने का मामला उज्जैन के महितपुर में सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब निजी जिनदत्त स्कूल के टीचर्स खुद मामले की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे। दरअसल महितपुर जिनदत्त निजी स्कूल में रोब झाड़ने वाले संचालक संदीप चोपड़ा द्वारा अध्यापकों को इतना प्रताड़ित किया गया कि कई शिक्षक स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं टीचर्स का आरोप है कि संचालक चोपड़ा ना तो टीचर्स को वेतन देता और ना ही कोई सुविधा, उल्टा खासकर महिला शिक्षिकाओं को इतना प्रताड़ित करता है कि स्कूल छोड़ चली जाए। दरअसल जिस निजी जिनदत्त स्कूल का यह मामला सामने आया है, वहां अब तक कई टीचर्स इस्तीफा दे चुके हैं और हैरत की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग के कानों में जूत तक नहीं रेंगी। वहीं स्कूली बच्चों की बात की जाए तो यहां शिक्षा को लेकर भी खासा भेदभाव कर जातिगत आधार पर बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है, पर जिला शिक्षा अधिकारी को फुर्सत कहाँ कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करें। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। जिनदत्ता स्कूल के जो संचालक है मिस्टर संदीप चोपड़ा, वो जो टीचर्स को वेतन नहीं देते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और जो वेतन मांगे जाने पर गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करते हैं कि जो टीचर को जॉब छोड़ने पर वो मजबूर हो जाता है। स्पेशल जो जैन धर्म के बच्चे हैं या उनको एक क्लास में अलग जो बिठाया गया है ए सेक्शन में और बाकी आंजना समाज है और जो दूसरे समाज के बच्चे हैं उन्हें बी सेक्शन में जो बिठाया गया है, और ऐसा जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने में पुअर हैं तो इसकी वजह से इनको अलग बिठाया गया है। महिला शिक्षकों की बात करें तो क्या उनको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी इसी निजी स्कूल में? जो पिछली बार दो जो महिला शिक्षक थी उनको भी उनका जो वेतन वो नहीं दिया गया और वेतन जब मांगे जाने पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और इस तरह से उनका मामला भी थाने पर पहुंचा और फिर थाने पर उनका बकाया वेतन दिया गया। किया जाता है इतना चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर, मैं उनके साथ में मतलब वहाँ पर एटलीस्ट सुबह 8:15 बजे से जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था वो 10:30 बजे तक वहाँ पर मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट करती रही। उन्होंने 2 बार रिटर्न मुझे बैक बुलाया बात करने के लिए, मैंने बात की लेकिन उन्होंने जून की सैलरी देने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोला कि आपने काम ही कहा किया जबकि हम 10 जून से वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। कौन है स्कूल का संचालक? कौन है ये? मिस्टर संदीप चोपड़ा। तो वो वही खुद ही आप लोगों से इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं? देखिए हमारे पास में जिंदत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे महाराणा रोड पर स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है, इसके संबंध में इसके कुछ पूर्व शिक्षकों द्वारा शिकायत की गई है। उन्हें नियमित तरीके से नौकरी से हटा दिया गया है, इसके अलावा उनका 3 माह का वेतन नहीं दिया है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, हम उसकी विस्तृत जाँच कराएंगे और वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ हम उसको शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में सूचित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।